मैंने पास थे हो हिंदर भी काफी सारा बिल जगह पास कागजन पूरा थो उनते अमल जो दिखो अमल उनते न पे थे वो मेहनत जरा वाचा पो जन्म था वन असि बाराड़ी में इन जो तमाम वो असर पो खास तौर से न्याणी की तैलीम के हवाले से उनके इन वक्त जो एनजीओ सोसाइटी का किरदार वो कोई एडो सगारो नजर न पो अचे जी अब क्या कहेंगे। हाँ ये जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि बिल हमारे बहुत पास हुए हैं और लेकिन अभी तक अमल नहीं हो सका, अमल अभी तक नहीं हो सका, ये हकीकत बात है। और हमारी खवातीन पर अगर मैं इसके पीछे क्या हकीकत है, क्यों अमल नहीं होता, वो अमल इसलिए नहीं होता ना, अभी ये तो उनको जिन्होंने बिल पास करे उनसे पूछे कि ये क्यों नहीं होता। अगर हुकूमत चाहे तो जैसे हमारा कोई भी एक भी केसेस जाता है तो उनका फर्ज है कि उसका सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। केसेस जाते ही जाते बहुत केसेस गए, मैंने खुद भाई से कराए, बहुत केस करवाए मैंने खवातीन के और लड़कियों के, लड़कों के क्या नाम है, औरतों के जो मर्द मार के खवातीन को हमारी घर निकाले तशद्दुद करते हैं, बाकायदा मैं खुद गई हूँ, मैंने एफआईआर भी कटवाई है, मैं कोर्ट तक गई हूँ, भाई से काम सिर्फ ये यहाँ तक होता है कि हमने सारा काम करा के एफआईआर तक कोर्ट तक पहुंचा देते हैं हम लोग अपनी मंजिल तक, लेकिन हमें रिजल्ट अभी तक नहीं मिलता। रिजल्ट इतना लंबा, एक तो वो कोर्ट वाले तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देते हैं ना कि इंसान परेशान होकर घर ही भेज जाता, वो कहता है इन कोर्टों के चक्कर से तो भाई घर ही सही है। तो ज्यादा ये नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को और खास करके खवातीन का, अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है और उनका कोई छोटा मैटर है, जैसे कि मिसाल है सासू साहब और देवर नंदे मार के निकाल देती है लड़की को, और ये हम भाई से कराते हैं, शौहर के शौहर सामान रख लेता है, लड़की को निकाल देता है, उसके लिए हमने तैयार कटवाया। मतलब ज्यादातर केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं। हाँ ये घरेलू तशद्दुद जी ये भी बहुत सारे, तो इनका क्या फर्ज बनता है कि अगर ये हमारे जल्द से जल्द जल्दी जल्दी फैसले होते रहे ना तो ये हमारे ऑलरेडी खुद बेखुद है ना ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। और जैसे कि इसके अलावा तशद्दुद का है या और हमारी जैसी माए बहने आए दिन का आप सुन लो कि किसी पे जुल्म हो रहा है, किसी पे सितम हो रहा है, किसी को कत्ल कर दिया, कारोकारी का मसला, एक कारोकारी के अलावा भी बहुत ही हमारे खवातीन को वाकई में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर कानून चाहे और हुकूमत चाहे तो मैं यही कहूंगी कि ज्यादा को ज्यादा देर नहीं चल सकता ये अंधेर, इंशाल्लाह सबको तस्लीम एक कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अली मोहम्मद सीरियल कास्टम ऑफ हैदराबाद था जी। अदा अली मोहम्मद छा से बंदा क्या थी अदा ना है इस जी। मुझे सवाल यह तो जी वोमेन जो थाना इन्होंने कायम किया वो हिंसा थाना तो खत्म थी चुका है, वो उसे इंसाफ को मिले जी लेडीज पुलिस जी अपॉइंटमेंट कई वो भी सिंध पुलिस में अच्छी वे एमरजेंसी में कितों घुराइन था वो रेड कन एक ब लेडीज आए या कि अड़े तरीके से अराड़ी में तुम वो एनजीओ जी शहर के हिसाब से शहर तीन सपोर्ट वाले मानू तीन अराड़ी में ऐसो जी असतन के जिसम से कपड़ो भी ना पूरे पड़न जन रात जी कम जमीन जो कन मर्दनारो कन हकूक ला हकूक इबादत जैसे ये भाई ने बात करी है वोमिन थाने की तो ये हकीकत में खत्म हो चुका है, लेकिन क्यों खत्म हुआ है ये तो चाहिए आईजी है डीआईजी है डीपीओ है ये पूछे और ये हकीकत बात है। थाने की गाल अदा जो सवाल किया शायद समझी न सको वुमेन थाने की गाल न कही वो वुमेन क्राइसिस सेंटर उन्होंने कहा है वोमिन थाने के लिए कि वहाँ पर कोई वोमिन पुलिस के बारे में उन्होंने कहा कोई वहाँ पर हमला नहीं होता। और क्या नाम है जो ये हमारे मसले हैं जैसे कि खवातीन आती हैं कपड़े फटे हुए होते हैं ये थानों में जाना पड़ता है ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है और मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ ये हकीकत में बिल्कुल सही कहा। ये हमारे डीपीओ साहब को डीआईजी साहब को आगे खत्म क्यों हो गए ये तो आप मैं भी दो तीन दफा गई तो वहां मुझे थाने के अंदर कोई नहीं मिला। एक लेडीज
वो खड़ी होती है वहाँ पर जो सिपाही होती है और एक वहाँ पे वहाँ पर जितने भी औरतें होती है उनको छीटते हुए ले आते हैं। ये हकीकत बात है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है और ये तो खैर आपने भी देखा होगा वहाँ का माहौल कैसा है। और मैं जाती रहती हूँ वहाँ पर क्योंकि मेरा जो वास्ता है, मैं अक्सर जरूरी नहीं सियासी लिहाज से, मैं एक एनजीओ से भी, मैं क्योंकि यूथ वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, तो वहां मैं उसकी वजह से भी मतलब लोगों के फ्लाई काम करती हूँ। तो मैं जाती रहती हूँ, मैं देखती हूँ ये हकीकत इन्होंने कहा है। ये बात तो मुझे भी लगी है कि मैं वाकई अगर गई तो वहां कोई नहीं मिलता, तो बड़ी परेशानी होती है, किसी लड़की औरत को छोड़ भी नहीं सकते।